चेनसो मैन। इस एनिमे का सीजन 1 आप सबने देख रखा होगा और आप सोचते होंगे कि वाह कितना फन एनिमे है, लेकिन ये एनिमे आगे चल के वन ऑफ द डार्केस्ट टर्न्स लेता है। तो चलिए जानते हैं आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ। बेसिकली आज हम माकिमा के पूरे लाइफ हिस्ट्री को जानेंगे, मतलब जहाँ से एनिमे में दिखाया गया है वहाँ से लेकर जहाँ मांगा में खत्म हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अभी वॉर्न कर दिया हूँ, स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो यहीं पे वीडियो बंद कर दो। सो नाउ दैट यू हैव बीन वॉर्न्ड, लेट्स शो यू द ट्रू साइड ऑफ माकिमा द कंट्रोल डेविल। तो जब हमने माकिमा को पहली बार देखा ना, तो हमें लगा था कि ये एक नॉर्मल डेविल हंटर है और कहीं ना कहीं डेंजी को लेकर उसके मन में थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट है। इनफैक्ट वो डेंजी को सेड्यूस करके ये तक बोली थी कि अगर तुम गन डेविल को मार दोगे तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। अब डेंजी को क्या चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इस पॉइंट तक माकिमा हमें बड़ी क्यूट सी लग रही थी, लेकिन उसके ईविलनेस की पहली झलक हमें तब मिलती है जब ट्रेन के अंदर उसे गोली मार दिया गया था, स्टिल वो जिंदा थी। फिर माकिमा 30 क्रिमिनल्स को एक टेंपल जैसे जगह पे बुलाई थी, वहां उनका इस्तेमाल करके अपने एनिमीज को खत्म कर दी थी, मतलब लिटरली कुचल दी थी। सो दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर ये माकिमा है कौन, उसका ट्रू इंटेंशंस क्या है और उसके पावर्स क्या हैं। तो माकिमा है कंट्रोल डेविल। जी हाँ, वो बाकी डेविल्स की तरह ह्यूमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकती है। एनिमे में हमने माकिमा को किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए नहीं देखा है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट जापान के प्राइम मिनिस्टर तक के साथ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत माकिमा जापान पब्लिक सेफ्टी में काम करेगी, लेकिन अगर उसे किसी भी तरह की फेटल इंजरी होती है तो वो किसी रैंडम आदमी को लग जाएगी कोई डिजीज के तौर पे और माकिमा बच जाएगी। अब इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंट्रोल डेविल ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल डेविल ह्यूमंस को कंट्रोल कर पाता है। अपनी कंट्रोलिंग एबिलिटी की वजह से माकिमा बहुत ही खतरनाक डेविल है। इनफैक्ट वो 4 हॉर्समैन में से एक है। अब आप पूछोगे ये 4 हॉर्समैन क्या है? वेल, ये एक 4 डेविल का ग्रुप है जो कि काफी खतरनाक है, और इनमें आते हैं वॉर, फेमिन, कंट्रोल अपनी माकिमा एंड देन डेथ डेविल। अब माकिमा के कंट्रोलिंग एबिलिटी को थोड़ा और आगे ले जाए तो वो सिर्फ ह्यूमंस को नहीं बल्कि किसी भी तरह के लाइफ फॉर्म को कंट्रोल कर सकती है। इनफैक्ट वो उनके पावर्स तक को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब वो अपने विक्टिम के साथ एक चेन से अटैच्ड हो। मतलब हम कह सकते हैं कि माकिमा काइंड ऑफ इनविंसिबल है, काफी पावरफुल है। वैसे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि मैंने टी-शर्ट जान के उल्टा पहनाया ताकि माकिमा का फ्रेंड दिख सके? अगर नोटिस कर लिया था तो कमेंट में बताना, नहीं किया था तो भी बता देना, ऑनेस्टली। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये मांगा पैनल तो देखा ही होगा जहां लिखा था माकिमा इज लिसनिंग। वेल, ऐसा इसीलिए कहा गया था क्योंकि माकिमा लो लाइफ फॉर्म जैसे कि रैट्स या फिर बर्ड्स, उनको कंट्रोल कर सकती है और उनकी हियरिंग ले सकती है। मतलब मान के चलो मैं और आप बात कर रहे हैं, वहां एक चूहा है, तो माकिमा उस चूहे को कहीं से भी कंट्रोल कर लेगी और उसका हियरिंग स्किल्स यूज करके हमारी बात सुन लेगी। अब आपके मन में एक डाउट हमेशा आ ही रहा होगा कि वो जो टेम्पल में माकिमा मारी थी 30 प्रिजनर्स को के अपने विक्टिम्स को, तो वो आखिर वो कैसे की थी? वेल, ये भी माकिमा की एक पावर है जिसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि जिसकी बलि चढ़नी है उसका नाम प्रिजनर्स को लेना होगा, एंड देन प्रिजनर जैसे ही नाम बोलेंगे तो उनका लाइफ एक तरह से ट्रेड हो गया, आप कह सकते हैं। ट्रेड नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों मरे, प्रिजनर भी मरा और जिसका नाम लिया गया यानी कि माकिमा का जो ओपोनेंट था वो भी इनविजिबल फोर्स से क्रश होके मारा गया। अब माकिमा ये एग्जैक्टली कैसे कर पाती है इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम देख पाए थे कि उस वक्त जो भी माकिमा के साथ था वो अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए था। अब एक और ओपी पावर बताऊं माकिमा का, वो काइंड ऑफ टेलीपोर्ट भी कर सकती है। जी हाँ, जिस किसी लाइफ फॉर्म को वो कंट्रोल करेगी उस जगह पे वो काइंड ऑफ टेलीपोर्ट कर जाएगी। तो ये तो थे माकिमा के पावर्स, लेकिन अब आप पूछोगे कि भैया माकिमा के इंटेंशंस क्या थे? वेल, उसके इंटेंशंस अच्छे तो नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक उसी तरह जिस तरह लोगी मिशन का जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है, आप उसकी बातों में मत आओ। मैं हूं इस चैनल का क्रिएटर, मैंने सब कुछ किया है, मेरे को सपोर्ट करो। खैर, कमिंग टू माकिमा, माकिमा एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां ना तो पेन हो ना वायलेंस। अति उत्तम विचार, लेकिन वो ऐसा करेगी कैसे? वेल, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा पहले चेनसो मैन के पावर को जानना होगा, क्योंकि बिना चेनसो डेविल के माकिमा का ये प्लान काम नहीं करेगा। तो चेनसो डेविल को हेल का हीरो कहा जाता है। इनफैक्ट कई डेविल्स उससे डरते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि चेनसो डेविल किसी को भी एग्जिस्टेंस से हटा सकता है।
है, मतलब कि अगर चेनसॉ डेविल किसी को कंज्यूम करता है तो उस डेविल का नामो निशान मिट जाएगा। बाकी डेविल्स मरने के बाद हेल में जाते हैं, लेकिन चेनसॉ डेविल जिसको कंज्यूम किया वो हेल में नहीं जाएगा, सीधा सीधी एग्जिस्टेंस से ही गायब हो जाएगा। अब माकिमा उन सबको कंट्रोल करती है जिसे वो अपने से नीचे मानती है, लेकिन वो चेनसॉ डेविल को कंट्रोल नहीं करती क्योंकि वो चेनसॉ डेविल को अपने से ऊपर मानती है। फैन गर्ल मोमेंट है माकिमा के लिए कि भैया चेनसॉ डेविल। अब इन बातों को सुनकर ये मत समझना कि माकिमा को डेंजी भी पसंद है। जी नहीं, डेंजी उसके लिए सिर्फ एक टूल है जिसके जरिए वो चेनसॉ डेविल तक पहुंचेगी। अब जबकि आप इन सारी बातों को समझ गए हैं, चलिए अब हम माकिमा के प्लान को जानते हैं। तो बेसिकली माकिमा पूछिदा को फाइट में हराना चाहती थी क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाएगी देन वो उसे भी कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन अगर माकिमा चेनसॉ डेविल से हार जाती है तो भी उसे कोई गम नहीं क्योंकि वो फैन गर्ल है उसकी, और उसके लिए एक ऑनरेबल डेथ होगा कि चेनसॉ डेविल से वो मारी गई है। साला दोनों तरफ विन विन। अब क्वेश्चन है कि आखिर माकिमा ये सब अचीव करेगी कैसे? वेल, आपको याद है जब माकिमा ने डेंजी को एक नॉर्मल लाइफ दी, खाने को अच्छा खाना दिया, पहनने को कपड़ा दिया, रहने के लिए आसपास दोस्त, वेल ये सारी चीज उसे इसीलिए दी गई थी ताकि उसे अच्छाई दिखाई जा सके, उसे ये सब चीज नॉर्मलाइज कराई जा सके, एंड देन उससे ये सब छीन लिया जा सके। तो पहले तो माकिमा सब कुछ दे दी, लेकिन देन अपना प्लान वो शुरू करी। माकिमा अपने कंट्रोल डेविल के पावर का इस्तेमाल करके आकी को गन डेविल में तब्दील कर देती है। जी हाँ, माकिमा लिटरली गन डेविल को आकी के शरीर को कंट्रोल करने कहती है और ऐसा ही होता है। देन माकिमा डेंजी को फोन करके बताती है कि उसके डोर पे गन डेविल आने वाला है। डेंजी जाता है डोर को खोलने, लेकिन पोचिता उसे मना करता रहता है। स्टिल माकिमा डेंजी को बहुत मैनिपुलेट करती है, उसे डोर खुलवाती है और सामने कौन? गन डेविल। अब ऑब्वियसली डेंजी को उसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमें दो पर्सपेक्टिव्स दिखाए जाते हैं। पहला पर्सपेक्टिव डेंजी का, जो कि नॉर्मल रियलिटी देख रहा है, यानी कि उसके सामने गन डेविल है जिससे उसे लड़ना है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव था आकी का, जिसे वो नहीं दिख रहा था जो सामने हो रहा है। वो तो ऐसा सोच रहा था कि वो डेंजी के साथ एक स्नोबॉल फाइट खेल रहा है। वो बच्चे खेलते हैं ना स्नो के अंदर, एक दूसरे को बॉल बना के मारते हैं, वैसा प्यारा फाइट। स्नोबॉल फाइट में एक बार आकी बहुत जोर से डेंजी को मारता है, लेकिन रियलिटी में एक फेटल ब्लो डेंजी को लगा था जिससे डेंजी मारा जाता, बट वहां के लोग उसको खून पिलाते हैं जिससे वापस उठ खड़ा होता है, लड़ाई शुरू होती है। अब बाकी के पर्सपेक्टिव में उसे दिखता है कि डेंजी रो रहा है, तो वो उसके पास जाता है, लेकिन रियलिटी में डेंजी उस पे अटैक कर देता है और यहाँ पे गन डेविल AKA आकी मारा गया। यानी कि देखा जाए तो माकिमा ने डेंजी के हाथों उसके बिग ब्रदर जैसे फिगर आकी को मरवा दिया, जो कि काफी सैड था। लेकिन अभी जो आगे होने वाला है वो और भी ज्यादा सैड है, तो समझ जाओ माकिमा कितनी ईविल है, ठीक लोगीमेशन की तरह। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, कहानी को और डार्क करें, चलो थोड़ा सा लाइट कर देता हूं मैं मूड ये बात बोल के कि हमें डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और फिगरीन्स वगैरह चाहिए इस तरह के, देख रहे हो छोटे छोटे क्यूट क्यूट, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, एफिलिएट लिंक है, थोड़े पैसे कमा लूंगा। हो गया ना मूड हल्का, चलो वापस चलते हैं डार्कनेस की तरफ। तो आकी ने मरने से पहले काफी सारी सेविंग्स कर रखी थी, एंड ऑब्वियसली इस सेविंग का जो आधा हिस्सा था वो हिमेनो फैमिली के नाम करी गई थी, आधा हिस्सा डेंजी और पावर के नाम था। तो इसके बाद डेंजी और पावर एक नए अपार्टमेंट में रहने लगते हैं, और यहाँ आपको याद होगा कि माकिमा ने डेंजी से प्रॉमिस किया था कि अगर वो गन डेविल को मार देगा तो उसका विश पूरा होगा। भैया मार दिया ना, तो विश पूरा करने का आ गया समय। तो माकिमा बोलती है क्या है विश बताओ मैं पूरा कर दूंगी, और डेंजी पता है क्या बोलता है, तुम मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करो, अपने कुत्ते की तरह, वैसे ही प्यार करो, वैसे ही रखो। मतलब ये किस तरह का विश है मैं समझ नहीं पाया। माकिमा उसकी ये विश मान लेती है, और उसी समय गेट पे नॉक आता है क्योंकि गेट पे पावर आई थी। अब यहाँ माकिमा डेंजी को कमांड देती है कि गेट खोलो और पावर को मार डालो। अब माकिमा बोली है तो डेंजी को करना होगा, बन चुका है उसका कुत्ता। तो वेल डेंजी गेट खोलता है और वहां पावर के हाथ में बर्थडे केक था, क्योंकि आज डेंजी का बर्थडे था। लेकिन डेंजी के कुछ बोलने से पहले ही माकिमा बैंग करके पावर को वहीं पे मार गिराती है। तो इस खतरनाक इवेंट के बाद डेंजी वापस अंदर आता है और माकिमा उसके लैप में लेटकर हंसने लगती है एकदम पागलों की तरह। फिर वो डेंजी के ट्रॉमा को ये बोलकर बाहर लाती है कि तुम्हारे जो पिता थे ना वो खुद से नहीं मरे थे, तुमने उन्हें मारा था। तो देख रहे हो कैसे माकिमा डेंजी को सब कुछ देकर उसके लाइफ को नॉर्मल बनाकर उससे वापस सब कुछ छीन ली, जिससे कि डेंजी पूरी तरह से टूट चुका था। तो इस सब के बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां माकिमा आराम से ब्रेकफास्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और अपना डेंजी डिप्रेस्ड सरेंडर करके एकदम सोफा पे पड़ा हुआ है। अब जब माकिमा और डेंजी बाहर अपने अपार्टमेंट से जाते हैं तो वहां कई सारे डेविल्स जो कि मारे गए थे वो अपने घुटनों पे थे, और इनमें से एक पावर भी थी। अब ये लोग घुटनों पे इस तरह इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि ये सब चेनसॉ डेविल के फॉलोअर्स थे और उसे बचाना चाहते थे। वो सब अपने रिजरेक्शन यानी कि वापस जिंदा होने के लिए वहां थे। अब इससे पहले माकिमा यहां कुछ बोलती, हम सबके प्यारे डेंजी के सेंसेई
फाइनली वे वहां एंटी माकिमा स्क्वाड लेकर आते हैं और माकिमा को मार गिराते हैं। अब बोल दो माकिमा गिर गई है, बट हम सब जानते हैं कि भैया वो उठ खड़ी होगी। तो ऐसे में कुछ स्क्वाड मेंबर्स अपने गले पे चाकू मार के हेल डेविल को समन करते हैं ताकि वो माकिमा को अपने साथ हेल ले जाए। लेकिन माकिमा बीइंग द बिच सी इज, वो चेन्सो मैन को प्रोटेक्शन देने को कहती है। फिर पता नहीं क्यों डेंजी का एक इंटेस्टाइन उसके पेट से निकलता है, उसके गले में मफलर जैसा बन जाता है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है चेन्सो डेविल का ट्रू फॉर्म। अपने ट्रू फॉर्म में चेन्सो डेविल हेल डेविल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब यहाँ आपके लिए एक बात जानना जरूरी है, इस पॉइंट पे डेंजी की जो बॉडी है उसको पोचीदा कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेंजी टूट चुका है, उसकी मतलब जीने की कोई होप नहीं है और वो बहुत ही डिप्रेस्ड है। तो हाँ, वो खुद कंट्रोल नहीं कर रहा, पोचीदा कंट्रोल ले चुका है। तो अब यहाँ से हम सीधा उस पार्ट पे चलते हैं जहाँ माकिमा और डेंजी एक छत पे मिलते हैं और माकिमा अपने टूल्स के साथ आई है। टूल समझ रहे हो, जिसका इस्तेमाल माकिमा करती है, मतलब किसी भी तरह के डेविल का, ह्यूमन का, टूल्स ही कहती है उसको वो। अब टूल्स में माकिमा के पास कुल मिलाकर 7 हाइब्रिड्स हैं। अब हाइब्रिड क्या होता है, वैसे ही क्रिएचर जैसा कि डेंजी है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो माकिमा के बारे में है, जा लंबा खिंच जाएगा। पर आप यहाँ एक बात पूछ सकते हो कि ये टूल्स जो है वो माकिमा के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माकिमा एज यूजुअल उनको प्रॉमिस करी थी कि जो भी चेन्सो डेविल को हराएगा माकिमा उसके साथ डेट पे जाएगी। बाप रे, कितनी कमीनी है ये बंदी। ऑब्वियसली इन टूल्स में से कोई भी चेन्सो डेविल को हरा नहीं पाता, लेकिन यहाँ एक अजीब चीज होती है। एक्चुअली में हेल डेविल को जो जब मार दिया था चेन्सो डेविल ने, तो लोग अब रैलीज निकाल रहे थे चेन्सो डेविल के सपोर्ट में कि वाह क्या अच्छा काम किया। अब अगर आप चेन्सो मैन देखते हैं तो आपको एक बेसिक थियरी पता होगी, वेल एक डेविल या मॉन्स्टर उतना ही पावरफुल होता है जितना लोग उससे डरते हैं, लेकिन इस केस में तो रैलीज निकल रही है चेन्सो डेविल के सपोर्ट में, तो यानी कि लोग उससे थोड़ा कम डरने लगे हैं, तो ऐसे में इसकी पावर कहीं ना कहीं कम हो जाती है। वैसे में माकिमा यहाँ एक और षड्यंत्र रचती है, वो अपने चेन से कई पब्लिक सेफ्टी वाले मेंबर्स को अटैच कर लेती है, यानी कि उसको कंट्रोल कर रही है, और इनमें से एक एंजल भी थी। नहीं, एंजल थी नहीं, एंजल था, थी था एंजल नाम से हमेशा थी निकल जाता है। खैर, तो माकिमा एंजल के पावर का इस्तेमाल करके कोबिनी पे अटैक करती है, क्योंकि उसे पता था कि कोबिनी को बचाने ऑब्वियसली अपना जो डेंजी है वो बीच में कूदेगा, ऐसा ही होता है और वो फेटली इंजर्ड हो जाता है। तो अब माकिमा डेंजी की तरफ बढ़ रही थी फाइनली उसको खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ हमारा प्यारा पोचीदा पावर को रिवाइव कर देता है, जो कि डेंजी के मुंह से एक नए फॉर्म में निकलकर बाहर आती है। अब ऐसा हुआ कैसे, वेल चैप्टर 71 में पावर ने डेंजी को अपने ब्लड पीने का परमिशन दे दिया था और उसी का इस्तेमाल करके ये रिवाइवल हो पाया। अब यहाँ कुछ और भी थियरीज है इंटरनली, लेकिन बस आप इतना जान लियो उतना काफी है। बस आगे ये जानो कि पावर के आते ही माकिमा उस पे अटैक कर देती है, देन उसको थ्रेटन भी करने लगती है अजीब अजीब तरीके से। माकिमा पावर से कहती है कि डेंजी को तुम मेरे हवाले कर दो, और पावर ऐसा करने भी जा रही थी बिकॉज ऑब्वियसली मेमोरी उसका पूरी तरह से नहीं था, बट देन उसको मेमोरीज याद आती है एंड वो ऐसा नहीं करती। वैसे पावर डेंजी को लेके भागती है, माकिमा और उसके टूल्स उस पे अटैक कर रहे होते हैं और पावर पहुंच जाती है एक डंपस्टर में। अब क्योंकि डेंजी मरने के हालत में था तो पावर एक फिएंड है, तो वो अपना ब्लड डेंजी को पीने देती है। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि पावर अपना ब्लड डेंजी को देगी, लेकिन बदले में डेंजी को ब्लड डेविल को खोजना होगा। इनडायरेक्टली कहा जाए तो पावर को ही खोजना होगा। तो इसके बाद डेंजी एकदम से उठ गया और उसके बगल में कुशीबे था, जो कि उसे एक सीक्रेट बेस पे ले गया। एनीवेज, हम चलते हैं सीधा फाइनल फाइट पे, यानी कि एक फाइट हो गया, अब दूसरे फाइट पे चलते हैं। बीच में भी काफी कुछ हुआ है, लेकिन वो बताया तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो रखी है। तो डेंजी एक बार फिर से माकिमा से लड़ने के लिए ग्रेवयार्ड में मिलता है, जहां माकिमा ऑब्वियसली अपने टूल्स के साथ आई है। अब माकिमा ज़ॉम्बी डेविल की मदद से कई सारी ज़ॉम्बीज क्रिएट करती है वहां ग्रेवयार्ड से, जो कि डेंजी पे अटैक करते हैं। देन माकिमा के टूल्स हैं, वो डेंजी पे अटैक कर रहे हैं, मतलब लड़ाई काइंड ऑफ एक तरफा हो रहा था। नाउ डेंजी बहुत मुश्किल से सभी को मार गिराता है, उसकी हालत खराब थी, बट सरप्राइजिंगली यहाँ माकिमा अपना हाथ काट के डेंजी को अपना खून पिलाती है कि भैया तंदुरुस्त हो लो तुम आराम से, उसके बाद फिर लड़ते हैं। फैन है ना चेन्सो डेविल की, तो कर रही थी ये सब कुछ। तो माकिमा और डेंजी एक दूसरे के आमने सामने हैं, इनकी लड़ाई होती है और डेंजी कितना भी चाहे माकिमा को फेटली इंजर कर दे, वो बहुत ही आसानी से रीजनरेट हो रही थी। फाइनली माकिमा डेंजी के चेस्ट में से पोचीदा को निकाल लेती है एंड देन आराम से सुट्टा मारते हुए कहती है कि हम लोग एक फैमिली शुरू करेंगे। लेकिन तभी डेंजी पीछे से आता है, माकिमा पे एक चेन्सो से अटैक कर देता है एंड देन पोचीदा को लेकर वापस से अपने अंदर डाल लेता है। नाउ दिस वाज शॉकिंग कि आखिर डेंजी माकिमा पे ये स्नीक अटैक कर कैसे पाया, क्योंकि माकिमा के पास ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक तांजिरो की तरह, मतलब वो समझ जाती है डेंजी पीछे से आ रहा है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन ये
दिया जाता है कि माकिमा को डेंजी का स्मेल पता ही नहीं था। जी हाँ, वो इतना ज्यादा चेन्स और डेविल पे फोकस करती थी कि उसका स्मेल उसे पता था, लेकिन डेंजी का जो स्टैंड अलोन स्मेल है उसे पता ही नहीं था। इसीलिए डेंजी का ये स्नीक अटैक कामयाब हुआ। अब आप कहोगे ठीक है, चेन्सो से अटैक कर दिया, लेकिन माकिमा तो फिर से रीजनरेट करके उठ खड़ा होगी। नहीं, इस बार वो रीजनरेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये जो चेन्सो बना था वो पावर के ब्लड से बना था। स्पेशल प्रॉपर्टीज है इसमें। डेंजी पावर के दिए हुए ब्लड से ही उठ पाया, उसी के टूल्स की मदद से फाइनली माकिमा को मार गिराया। इसके बाद हम फाइनल सीन देखते हैं डेंजी का उसके अपार्टमेंट के अंदर, जहां डेंजी माकिमा की मीट बना के खा रहा होता है। भाई ये एनीमे कितना डार्क है। तो फाइनली इस तरह से माकिमा का अंत हुआ। तो देख सकते हो पूरी जर्नी कैसी रही माकिमा की। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये काफी डार्क लगा होगा। नहीं लगा है तो मुझे बताना इससे डार्क एनीमे कौन सा है, देख के एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैं चेन्सो मैन पे और भी वीडियोस बनाता रहूंगा जैसे जैसे सीजन आएगा एंड एवरीथिंग। तो ये एक वीडियो थी, मैं टेस्ट करने के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा आता है और माकिमा से अच्छा टॉपिक क्या होगा। वैसे टी शर्ट उल्टा है अगेन। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे भी लाइक करवाना पड़ेगा आपको। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.